हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन आर्किटेक्चर के, जिसके अंतर्गत हमारा जो कंट्रोल वायरिंग है, जो बेसिक जो हमारा वायरिंग है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन आर्किटेक्चर को हम इस फिगर के हेल्प से समझेंगे। इसको समझने से दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट जो भी है इंस्ट्रूमेंटेशन का, जिसमें कंट्रोल सिग्नल कैसे फ्लो करता है हमारा फील्ड से लेकर हमारा कंट्रोल रूम तक, उसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम वो सब देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद जब इसको देखने के बाद दोस्तों, मैं आपको फील्ड में चल के दिखाऊंगा कि कैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से लगा हुआ है, वहाँ से हमारा कैसे जेबी में जाता है, जेबी के बाद मार्शलिंग कैबिनेट, डीसीएस, फिर हमारा वर्क स्टेशन कंट्रोल रूम में कैसे आता है। सो डेट आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इस फिगर की हेल्प से बताऊँगा, उसके बाद मैं फील्ड में चल के फिर से दिखाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी इंडस्ट्री में, प्लांट में हमारा एन नंबर ऑफ जो हमारा है इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। तो उसको हमको रेगुलेट करने के लिए, हमें जो है कंट्रोल करने के लिए पीएलसी होता है या डीसीएस होता है, जिसके थ्रू हम लोग रेगुलेट और उसको करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले बात, जैसा कि होता है, ये जो हमारा है इंस्ट्रूमेंटेशन आर्किटेक्चर, ये जो है ब्लॉक, ये हमारा सबसे, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं पहला, ये हमारा हो गया प्रोसेस एरिया। इट मीन्स ये फील्ड एरिया है जहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट माउंटिंग किया रहेगा। ये हो गया हमारा कंट्रोल रूम एरिया। इस दोनों को आप मर्ज कर दे दोस्तों, क्योंकि ये मार्शलिंग कैबिनेट और ये जो पीएलसी है, पीएलसी डीसीएस का हमारा एक सिस्टम कैबिनेट होता है, एक मार्शलिंग कैबिनेट। जो पीछे वाला पोर्शन होता है जिसमें हम टीवी टर्मिनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं मार्शलिंग कैबिनेट। इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा दोस्तों, और भी बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो है, यहाँ से हमारा कंट्रोल रूम को जाता है, जिसमें हमारा वर्क स्टेशन जो हमारा एचएमआई होता है, जिससे हमारा जो इंजीनियर है, ऑपरेटर है, उसको ऑपरेट करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं दोस्तों कि कैसे काम करता है। तो मैं किसी भी एक का एग्जांपल लूँगा और आपको समझाऊँगा। सपोज दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए हमारा फील्ड में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो ये सपोज है कि हमारा ओ एनालाइजर मीटर है, एक हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, एक हमारा फ्लो ट्रांसमीटर है। यहाँ और भी कुछ हो सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल वाल्व भी हो सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक एआई का एग्जांपल लूँगा। अगर कंट्रोल वाल्व लेंगे तो उसमें एआई और एओ दोनों आ जाएगा, क्योंकि एक फीडबैक के लिए और एक हमारा ऑन ऑफ के लिए। तो अभी हम समझेंगे दोस्तों कि इससे, तो ये फील्ड में हमारा ये डिवाइस माउंट किया गया है। यहाँ से सबसे पहले हमारा एक केबल जाएगा, ब्रांच केबल, सभी इंस्ट्रूमेंट से ब्रांच केबल जाएगा। ब्रांच केबल जो है हमारा, वो फील्ड में एक जेबी होता है, जंक्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, उस जंक्शन बॉक्स में जाके लगेगा। तो जो हमारा इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट से जाएगा, वो हमारा ब्रांच केबल जाएगा। ब्रांच केबल इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि वो हमारा वन पेयर हो सकता है, ट्रायड केबल हो सकता है। क्योंकि जो हमारा एक, जैसे सपोज अगर पीटी की बात करें तो उसे हम वन पेयर केबल का रिक्वायरमेंट होता है। एनालाइजर के लिए भी आई सिग्नल जो है वो हमारा वन पेयर ही होता है। जैसे अगर वीटी की बात करें तो उसमें भी वन पेयर, सपोज आरटीडी का बात कर लेंगे तो उसमें तीन का यूज होता है। तो यहाँ से हमने इसे ब्रांच केबल बोल रहा, जंक्शन बॉक्स में आया, जंक्शन बॉक्स में टर्मिनेशन होगा टीवी में, इस टीवी के आउट से हमारा एक केबल जाएगा, जिसका जो हमारा मेन केबल होगा। मेन केबल दोस्तों इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो 20 पेयर का हो सकता है, 24 पेयर का हो सकता है, 10 पेयर हो सकता है, उसी को हम होम रन भी बोलते हैं। ये जो है दोस्तों हमारा 20 पेयर, 10 पेयर, ये हमारा एज पर रिक्वायरमेंट, जो आप जितना एक जेबी में देना चाहते हैं, जितना एक जेबी के अंदर आपका टीवी लगा है उस पर डिपेंड करता है, या आपका इंस्ट्रूमेंट जिस लोकेशन में ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा केबल है डायरेक्टली, ये हमारा आएगा पीएलसी के मार्शलिंग कैबिनेट या डीसीएस के मार्शलिंग कैबिनेट में। मार्शलिंग कैबिनेट मतलब वो हमारा आएगा टीवी इंड में। तो टीवी इंड में आके ये हमारा ट्रांसमिशन होगा, ग्लैंड प्लेट से उठेगा, और हमारा जो सपोज ये हमने एआई का एग्जांपल लिया है, तो ये हमारा आईओ कार्ड के लिए जो स्लॉट होगा मार्शलिंग कैबिनेट, उसमें जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से हमारा आयो मार्शलिंग कैबिनेट के आउट से फिर से हमारा निकलेगा एक आयो एक्सटेंशन केबल, जो हमारा पीएलसी और डीसीएस के कार्ड में जाएगा या उसके बाद प्रोसेसर में जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा केबल जाएगा, वो हमारा यहाँ से केबल वो हमारा मंच में ही रहता है, बट वो ट्विस्टेड पेयर केबल रहता है। ये हमारा चला जाता है डीसीएस और पीएलसी का कार्ड में। कार्ड से हमारा जो है सीपीयू कम्युनिकेट करता है, और जो सिस्टम कैबिनेट है, सिस्टम कैबिनेट के थ्रू हमारा जो है उसके अंदर एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल का जो एक सेटअप होता है, उसमें हमारा लैन केबल के थ्रू जो हमारा वर्किंग स्टेशन है, कंट्रोल रूम एचएमआई, उसको कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ से केबल हमारा कंट्रोल रूम को जाता है, जिससे हमारा वर्क करता है। सपोज ये जो दोस्तों है दोनों, इस साइड से मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं इधर से भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने एक एआई का एग्जांपल समझाया है, इसलिए हमने
फील्ड से आपको कंट्रोल रूम तक समझाया हूँ। अगर यही आप किसी और का एग्जांपल लेंगे तो आप इधर से भी ले सकते हैं। सपोज कंट्रोल वाल्व में आपको कंट्रोलिंग करना रहता है तो यहाँ से सिग्नल होगा, यहाँ सबसे पहले हमारा ट्रैवल करता है क्योंकि हम उसको कमांड देते हैं, उसके हिसाब से हमारा पीएलसी में जाता है कंट्रोलर के थ्रू, फिर वो कमांड को कंट्रोल करता है, वो हमारा मार्शलिंग कैबिनेट के थ्रू फील्ड जंक्शन बॉक्स में जाता है, जंक्शन बॉक्स से हमारा फिर वाल्व को जाता है, फिर हमारा इफेक्ट दिखता है वाल्व का ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये मैं एक बेसिक सा बताया हूँ आपको पीटी का एग्जांपल लेकर, वो और कोई भी डिवाइस हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जब मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा इसको कैसे ये ट्रैवल करता है, किस तरह से केबल ट्रे से गया हुआ है केबल, तो और भी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ताइब दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमने एक पीटी का इंस्ट्रूमेंट लगा, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर से एक ब्रांच केबल हमारा जेबी में गया जिसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में बहुत सारे टीवी लगे रहते हैं, उस किसी दो टीवी में जाकर ये हमारा एक केबल लग गया, और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आके लगेंगे। उसके आउट से एक हमारा मेन केबल होगा जो 10 पेयर हो सकता है, 20 पेयर हो सकता है, 12 पेयर हो सकता है। जो उसका साइज होगा दोस्तों वो 1.5 टू 2.5 स्क्वायर मेम होता है, और जो ब्रांच केबल है इसका भी वही साइज होता है, सेम साइज। ये हमारा मार्शलिंग कैबिनेट में गया, मार्शलिंग कैबिनेट के में हमारा एक प्रोटेक्शन होता है फ्यूज का, उस फ्यूज के इसलिए लगा रहता है सपोज किसी भी इंड में हमारा कोई प्रॉब्लम है तो उससे हमारा पीएलसी का जो कार्ड है वो ओडीसीएस का वो सेफ रहे। तो इसके आउट से हमारा फिर से वो सिस्टम कैबिनेट में गया, सिस्टम कैबिनेट के हमारा जो रेस्पेक्टिव कार्ड होंगे आईओ कार्ड, डीआई कार्ड, डीओ कार्ड, एओ कार्ड, उसमें जाएगा। उससे हमारा ये कम्युनिकेट करेगा प्रोसेसर, प्रोसेसर के थ्रू हमारा फिर से यहाँ पे एक मॉड्यूल होता है जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन करता है हमारे कंट्रोल रूम से, जो हमारा ऑपरेटर ऑपरेट करता है उसको। तो यहाँ से हमको इसको ऑपरेट करते हैं। तो इसको मैं अभी फील्ड में चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हमारा जो कंट्रोल सिग्नल है का बेसिक वायरिंग डायग्राम कैसा होता है और किस तरह से हमारा सिग्नल फ्लो करता है। बेसिकली मैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ दोस्तों। अब चलिए दोस्तों फील्ड में फिर से इसको देखते हैं। दोस्तों मैं फील्ड में आ गया हूँ, ये जो देख रहे हैं ये हमारा है वाइब्रेशन सेंसर। वाइब्रेशन सेंसर जो है सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट जेबी में जाता है, छोटा जेबी है दोस्तों, ये बहुत जगह लगता है, बहुत जगह नहीं लगता है। और ये जो देख रहे हैं हमारे यहाँ भी एक वीटी है और एक आरटीडी है, ये दो और नीचे वाले एक वीटी, इस तीनों को इस केबल ट्रे के हेल्प से हम जेबी को ले जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हमारा केबल ट्रे ऊपर की ओर जाकर ये हमारा जेबी को जाता है। ये जेबी नंबर 3 और जेबी नंबर 4 है जो नीचे से इसमें इन होता है। और ये और एक और देखिए यहाँ पे एक आरटीडी है जिसमें हम ट्रैड केबल यूज़ कर रहे हैं। ट्रैड केबल वो केबल होता है जिसमें 3 केबल होता है और एक ऑक्सीजन मीटर है। इस दोनों को मिलकर हमारा ये फिर से जेबी में जा रहा है, वही जेबी नंबर है 3 और 4 जो मैं हमारा नीचे से इन करता है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन केबल आया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये जो देख रहा है टैगिंग, ये सब हमारा मेन केबल पर नहीं, ब्रांच केबल पर किया गया। और इसके पीछे एक 10 पेयर का ये जो देख रहा है ये हमारा है मेन केबल। अब मैं दोस्तों इस जेबी को ओपन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि इसके अंदर में कैसे है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा टीवी है, टर्मिनल ब्लॉक सेक्शन, इसमें हमारा लगा हुआ जो लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ये हमारा 10 पेयर जाके हमारा इसमें टीवी में टर्मिनेट हुआ है। ये वाला जो है 10 पेयर है, और जो ये सब है ये हमारा ब्रांच केबल है जो कि ट्रायड केबल और पेयर केबल है, ये हमारा कनेक्शन होते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपने पीएलसी रूम में और आपको मैं दिखाता हूँ मार्शलिंग कैबिनेट। ये हमारा पीएलसी इंड का मार्शलिंग कैबिनेट इंड है, देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा मार्शलिंग कैबिनेट है। तो जो हमने दिखाया दोस्तों जेबी में जो केबल जाके टर्मिनेट हुआ है उससे हमारा जो मेन केबल जो आया है वो हमारा यहाँ ही पे आया है मार्शलिंग कैबिनेट में, देख सकते हैं ये हमारा बहुत सारा केबल आया हुआ। तो जो आप ब्लैक वाले जो केबल देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा मेन केबल है, और ये वाले ब्लू व्हाइट वाले जो देख रहे हैं एक कलर कोडिंग के हिसाब से होता है, इस पर नंबर लिखे रहते हैं 1, 2, 3, क्योंकि एक बार में 20 पेयर केबल है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस पर नंबर दिया रहता है दोस्तों। तो ये हमारा केबल यहाँ पे आकर उठता है, इस प्लेट में लगता है पीएलसी के मार्शलिंग कैबिनेट इंड में। इस कैबिनेट से लगकर हमारा जो रेस्पेक्टिव उसके कार्ड का मॉड्यूल है, सपोज हम वहाँ से एआई सिग्नल को ले रहे हैं तो एआई सिग्नल वाले यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये डीआई का है, डीओ का है, डीओ का, एओ का, यहाँ आरटीडी का हो गया और ऊपर हो गया एआई का। सपोज हमने एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक हमने आरटीडी का दिखाया था और एक वीटी का दिखाया था। तो वीटी वाले जो है हमारा एआई वाले के लगेंगे यहाँ पे, जो हमारा ये जो देख रहे हैं आप टीवी, इसमें हमारा एक फ्यूज प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देख रहा है इसमें फ्यूज दिया हुआ है, सो डेट अभी किसी एंड में हमारा कुछ हो तो पीएलसी पे इफेक्ट नहीं पड़े, सेफ रहे।
तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल जिसमें आगे कनेक्शंस होते हैं। अब रह गई बात इसके आउटर राइट साइड वाले, ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये ब्लैक कलर की वायर, सब में सेम कलर कोटिंग दिया हुआ है पूरे में। तो ये क्या है, ये हमारा जाता है कार्ड को जाके, मतलब सिस्टम कैबिनेट इंड में कार्ड को जाता है, जो पीएलसी का होगा उसमें जाएगा, उसमें हमारा कम्युनिकेट, उससे हमारा जो प्रोसेसर कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद हमारा कंट्रोल रूम को जाएगा कम्युनिकेशन। उससे अभी मैं आपको सिस्टम कैबिनेट में ले चल के दिखाता हूँ आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सिस्टम कैबिनेट है, ये देख सकते हैं इसमें कुछ रिलेज है, हमारा SMPS है। अब तो ये हो गया दोस्तों मॉड्यूल्स का, जो भी रेस्पेक्टिव मॉड्यूल है, AI DO DO RTT का मॉड्यूल हो गया। इसमें आके हमारा केबल कम्युनिकेट होता है, आप देख सकते हो ऊपर की ओर जो देख रहे हैं इसमें केबल आएगा, उसके बाद जो है हमारे प्रोसेसर CPU है, ये हमारा कम्युनिकेट करेगा उससे, और ये CPU जो कम्युनिकेशन जो पास करेगा, यहाँ पे केबल देख रहे हैं इसके थ्रू, ये जो केबल देख रहे हैं आप, इंटरनेट केबल लगा हुआ है, यहाँ से आपका ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है, कम्युनिकेशन ये लगा हुआ है, ये हमारा जो है कंट्रोल रूम को कम्युनिकेट करेगा इससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स अभी लाइन में है, और ये केबल आया हमारा CPU से, CPU के थ्रू हमारे ये जो दो केबल देख रहे हैं आउट है, ये हमारा जो कंट्रोल रूम में CPU होगा, जो HMI का रेस्पेक्टिव CPU होगा, उसको ये कम्युनिकेट करेगा, और वहाँ से कंट्रोल करेगा, जो भी ऑपरेटर होंगे शिफ्ट इंजीनियर, वो हमारा HMI में कमांड डालेंगे जो भी आपको ऑपरेट करना है, और वहाँ पे वो वैल्यू सब आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जो हमारा सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल फ्लो करता है, आप बोल सकते हैं कंट्रोल रूम से PLC से हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक, या इंस्ट्रूमेंट से PLC से हमारा कंट्रोल रूम। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। उससे अलावा भी दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं टेक्निकल टॉपिक पे, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।